बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुश आमदीद है। वेलकम टू माई चैनल। एक अकलमंद खातून हमेशा अपने घर को एक जन्नत बनाने में लगी रहती है और उसकी यही कोशिश होती है कि वो जो भी काम करे वो घर वालों के लिए सुकून का बायस हो। लेमन के छिलकों का रस निकाल लिया है और हमने इसको बॉयल करके इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम जो इसे 4 लोशंस बनाएंगे वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे, टाइम सेविंग होंगे और आपके घर को चांदी जैसा चमकाएंगे। ये पर्पज़ आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा क्योंकि इससे आपकी तमाम मुश्किलात आज हल होने वाली हैं और इस तरीके से आप एक ही पल्प के साथ 4 लोशन किस तरीक़ा से बनाएंगे और इसका कंप्लीट मेथड मैं शेयर कर रही हूँ। हमने इसके 4 किस्म के लोशन बनाए हैं और ये 4 लोशन, इसमें एक आपके पास पॉट का लोशन है, एक टाइल्स का, एक हम मॉस्किटो स्प्रे बनाएंगे और एक मॉस्किटो लोशन बनाएंगे। इस तरीके से ये 4 लोशन हमने एक ही पल्प से इस तरीके से तैयार करने हैं। और सबसे पहले जो पॉट वॉशिंग लोशन हम तैयार कर रहे हैं उसका मेथड कुछ इस तरीके से है कि पल्प का कुछ हिस्सा हमने एक साइड पर निकाल लिया है और इसको आप इसको चाहे तो थिक रख सकते हैं, चाहे तो इसको लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस वक्त थिक रखूँगी क्योंकि मुझे ये देचकियों के लिए तैयार करना है। तो इसमें मैंने डाला है लिक्विड जो कि पहले से मैंने घर में बनाया हुआ है। इसका मेथड मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सर्फ के डाल दिए हैं। सर्फ के बाद हमने 1 टेबल स्पून मीठे सोडे का डाला है और आप अगर चाहें तो इसके अंदर विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल पे है, मैंने नहीं डाल रही। इसके अंदर मैंने मीठा सोडा कुछ थोड़ा सा और ऐड किया है और इसको कंप्लीट मैंने इस तरीके से हिला लिया है। अगर आप इसको चाहें तो इसके अंदर आप प्रिजर्वर भी डाल सकते हैं जिससे आपका लोशन ख़राब भी नहीं होगा और काफ़ी देर तक सेफ रहेगा। सर्फ थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है और लोशन हमारा हल्का सा फूल गया है और 5 मिनट के बाद इसकी झाग मुकम्मल बैठ जाएगी और लोशन तैयार है। अब जो हम बनाएंगे वो टाइल वॉशिंग लोशन है। टाइल वॉशिंग लोशन के लिए हमने फिर वही थोड़ा सा पल्ब लिया है किसी अलग बर्तन में और इसमें हम थोड़ा सा हार्पिक मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर वॉशिंग लिक्विड भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर हार्पिक और थोड़ा सा सर्फ ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर 1 और टेबलस्पून सर्फ का शामिल कर लिया है और अब इसको अच्छी तरीके से यकजा करेंगे तो ये ज़बरदस्त टाइल लोशन आपका रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अपनी उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल को लाइक शेयर करती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और इस तरीके से अच्छे कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब जो हम मॉस्किटो इंसेक्ट स्प्रे बना रहे हैं ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ हम स्प्रे तैयार करेंगे। अभी क्योंकि मार्च का महीना है और गर्मी स्टार्ट हो रही है और तमाम कीड़े और इंसेक्ट निकल आए हैं और इनके लिए हमें स्प्रे चाहिए, तो ये स्प्रे भी हम इसी पल्प के साथ बनाएंगे। आप इसको बिल्कुल पानी डाल के पतला कर लें पल्प, और ये कॉयल हमारे पास घरों में पड़े होते हैं और वेस्ट हो जाते हैं, टूटी कॉयल वैसे भी इस्तेमाल नहीं होती। मैं ये लोशन अपने घर में पहले से यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने दिखाया इसका कलर जो कि बाद में इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये बड़ा इफ़ेक्टिव लोशन है, आप यूज़ करें और सारी गर्मियाँ आपको इंतहाई ये फ़ायदा देगा। मॉस्किटो बॉडी लोशन के लिए हमने इसी पल्प को थोड़ा पतला कर लिया है और बिल्कुल पतला होने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल शामिल कर रही हूँ ताकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी ना हो। जब भी मच्छर आपके पास आएंगे और ये दूर भागेंगे जब आप आउटडोर में बैठें तो इस लोशन का इस्तेमाल करें तो ये बड़ा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लोशन आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होंगे। अब मैं इनके डेमो भी आपको करके बताऊंगी कि ये चारों लोशन हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं, तो हम इसके पहले डेमो की तरफ चलते हैं। पॉट वॉशिंग लोशन कुछ इस तरीके से काम करेगा कि जब आपकी देचकी इंतहाई ज़िद्दी किस्म की जल जाती है तो आपने इसका जो जला हुआ हिस्सा है वो उतारने के बाद
इस लोशन को डाल के देचकी को स्टील वूल की मदद से इस तरीके से रगड़ना है और साफ करना है कि आपकी देचकी मुकम्मल साफ हो जाए। देखिए मेरी मेहनत और फोर्स भी इतनी नहीं लगी और मेरी देचकी बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है। देखें जले हुए तमाम निशान इसके अंदर से हट चुके हैं और इसकी शाइन आपको देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। टाइल वॉशिंग लोशन जो हम री टाइल्स हैं वो उसकी सेंटर वाली जहाँ पर फिलिंग होती है वो अक्सर इतनी काली पड़ जाती है कि हमसे अच्छे तरीके से साफ नहीं होती। सफाई करने के बावजूद भी हमारी सफाई नहीं लगती। लोशन की थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर डालेंगे और डालने के बाद इसको ब्रश की मदद से रगड़ना शुरू करेंगे। रगड़ने के बाद 5 मिनट हम रेस्ट पे रख के इसको दोबारा से रगड़ेंगे तो हमारी ये सेंटर वाली जो फिलिंग है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाएगी। और इस तरीके से देखें टाइल्स के ऊपर से लोशन हटाने के बाद इसको मैं पानी के साथ वॉश कर लूँगी। अगर आपको इसमें मज़ीद कमी नज़र आए तो आप इसको ब्रश के साथ मज़ीद रगड़ कर साफ़ कर लें तो आपकी टाइल बिल्कुल चमक उठेंगी। आउटडोर एरिया के लिए जो हमने मॉस्किटो स्प्रे यूज़ किया है इसको आप इनडोर हो या आउटडोर दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चीज़ आपकी जगह को ख़राब करने वाली तो नहीं है। आप इसको स्प्रे वाला ऊपर से टूल लगाने के बाद इसको उन जगह पर स्प्रे करें जहाँ पर मक्खी और मच्छर का ज़्यादा आमदरफ्त हो। चाहे तो आप इनको बाहर वाले आउटडोर प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हैं जिनके ऊपर मच्छर बहुत ज़्यादा बैठता है तो ये बिल्कुल अफेक्टिव होगा। बॉडी लोशन जो हमने अपने आउटडोर एरिया पे जब हम बैठते हैं तो हमारे हाथ और पाँव को ये मच्छर काटता है और सुर्खी का बायस बनता है तो इन जगहों पर हम ये लोशन यूज़ करेंगे जिसके लगाने से ना तो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होगा बल्कि इसे मच्छर भी आपसे दूर भागेगा। ये लोशन इतना इफेक्टिव है कि आपकी स्किन के लिए भी बड़ा फ़ायदा मंद होगा और स्किन को बिल्कुल काला भी नहीं करेगा। घर के शीशे हमारी सफाई का एक अहम हिस्सा होते हैं लेकिन मैं आज आपको सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स जो है वो साफ़ करके बताऊंगी। आप चाहे तो इसे अपने लुकिंग मिरर्स और ग्लासेस भी दूसरे साफ़ कर सकते हैं। हेडलाइट देखें कितनी गंदी और मैली और डिम हो चुकी है और इसका पीलापन आउटडोर होने की वजह से और ज़्यादा लाइट जलने की वजह से आ जाता है। पेस्ट हमारे घर आम होती है कोलगेट तो हम इन वेस्ट पेस्ट को यूज़ करते हुए इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में स्पंज की मदद से इन लाइट्स को साफ करेंगे और तमाम लाइट को हम अच्छी तरह से कोलगेट लगा के 5 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे। खुश्क होने के बाद एक कपड़ा लेंगे सूती और उस सूती कपड़े की मदद से लाइट को साफ़ करने के बाद हम इसको पानी की मदद से और हाथ से रगड़ कर अच्छे तरीके से इसको साफ़ और क्लीन कर लेंगे तो ड्राई होने के बाद देखें हमारी फाइनल लुक और चमक आपके सामने है। ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, बिल्कुल टाइम सेविंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे होममेड चारों ये क्लीनिंग लोशन आपको इंतहाई पसंद आए होंगे। बहुत इजी हैं बनाना, बाज़ार के महंगे क्लीनिंग लोशन को छोड़ें और आप घर में खुद ये लोशन तैयार करें तो दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।